बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अरशद अली। धान की फसल का वो दौरानिया जो आज की वीडियो में ज़ेरे बहस है वो 55 दिन से कटाई तक का है, और इस दौरान हमारी फसल को जो चैलेंजेस हैं इनमें डिजीज़ के कुछ मसाइल हैं उनके हवाले से डिस्कस करेंगे, कीड़ों मकौड़ों की मैनेजमेंट के हवाले से बात करेंगे और फल के स्प्रे के हवाले से बात करेंगे, स्प्रे शेड्यूल के हवाले से बात करेंगे, स्प्रे की तरतीब के हवाले से बात करेंगे और आम मसाइल के हवाले से बात करेंगे जिनकी वजह से हमारा एक फार्मर परेशान है। आज की वीडियो बड़ी अहम होने वाली है। बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं जिनको बड़ी जल्दी होती है, उनसे गुजारिश है कि वो इस वीडियो को ना देखें, यहीं पर छोड़ दें, क्योंकि व्यूज़ का हमें बिल्कुल लालच इसलिए नहीं है कि हमारे चैनल से हमारी इनकम ज़ीरो है, तो इसलिए हम इसलिए स्ट्रगल करते ही नहीं हैं। हम जस्ट इसलिए ही वीडियो बनाते हैं कि मेरे फार्मर के नॉलेज में इजाफा हो और वो अपनी मुश्किलें आसान करें। मुख्तसर सी बात मैं धान के पौधे की नेचर के हवाले से करूंगा ताकि सिलेक्शन के लिए मेरे फार्मर के लिए आसानी हो। यूँ तो धान की बहुत सारी स्टेजेस हैं, लेकिन मेजर दो ही स्टेज होती हैं, एक ग्रोथ की स्टेज है, एक फ्रूटिंग की स्टेज है। चूँकि बहुत सारी अकसाम हैं इस फसल में और हर वैरायटी का अपना टाइम पीरियड है, तो मजमूई तौर पे आप 45 से 55 दिन का जो टाइम है उसको मुख्तस कर लें। ये एक ऐसा टाइम है जब हमारी जो धान की फसल है अपनी स्टेज तब्दील करती है। जो फ्रूट सेटिंग के लिए है वो मरहला सिर्फ फ्रूटिंग के लिए ही होता है। पौधे ने जो अपनी स्किल्स इस्तेमाल करनी है, जो भी एक्टिविटी करनी है वो अपनी फ्रूटिंग के लिए करनी है। अब नेचर की अगर मैं बात करूं, जो सबसे अहम पॉइंट है, जो वेजिटेटिव ग्रोथ जो पहला मरहला है ग्रोथ बढ़ोतरी का, उसमें पौधे की नेचर होती है कच्चापन रखना, सॉफ्ट हालत में रहना। उसके बाद जब पौधा अपनी स्टेज तब्दील करता है तो फिर पौधा कदरे हार्ड होना शुरू हो जाता है, ये पौधे की नेचर है। हार्ड होने में बड़ी हिकमत अमली है। आपको पता है कि जब हमारी फसल 50 दिन को क्रॉस कर जाती है तो कीड़े का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, बीमारियों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। अगर हमारा पौधा कदरे हार्ड कंडीशन में होगा, सख्त हालत में होगा, तो ये इनको फेस कर सकता है, इनसे मुकाबला कर सकता है। दूसरे नंबर पर पौधा हार्ड होगा तो इसमें जो बढ़ने की सिफत है या बढ़ने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, तो पौधा बढ़ोतरी कम ले रहा होता है। तो जो पौधे के नीचे से स्किल्स आ रही होती हैं फिर उन्होंने एतराफ को फैलना ही होता है, तो जाहरी बात है पौधे के पास फ्रूटिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर वो फ्रूटिंग को कन्वर्ट हो जाती हैं। अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। फर्ज कर आप मेरा जमीन में पानी लगाते हैं, तो मेरा जमीन नरम होती है, सॉफ्ट होती है, वो पानी को जज़्ब करती है मुसलसल लगातार, और उसकी कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन अगर आप हार्ड जमीन में पानी लगाते हैं तो उसमें स्पेस कम होती है, एक लिमिट तक पानी जज़्ब होगा, उसके बाद पानी ठहर जाएगा, एतराफ में फैलना शुरू हो जाएगा। अब जो ज़मीन है इसकी मिसाल पौधे की ले लें, जो पानी है इसकी मिसाल स्किल की ले लें। बिल्कुल इसी तरह जब पौधे हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, इसमें ग्रोथ की कैपेसिटी कम होती है, तो जो स्किल्स आ रही होती हैं जब उसको आगे स्पेस नहीं मिलती है तो स्किल्स ने एतराफ़ को फैलना है। अब धान के पौधे की नेचर ऐसी है ये बार बार शगुफा साजी नहीं करता, इसी तरह गंदम का पौधा है, तो कोई एक दो शगुफा अगर इस टाइम पे निकल आता है तो वो वेस्ट में ही शामिल होता है, लेकिन निकल आते हैं बाज़े टाइम, लेकिन ज़्यादातर इसकी स्किल्स हैं वो फ्रूटिंग की तरफ आती हैं, क्योंकि इस पौधे के पास फ्रूटिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। अब चूँकि हम फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे भी इस्तेमाल करते हैं, इनमें भी ये खूबियाँ होती हैं, उनके ज़रिए हम चाहें तो पौधे को हार्ड कर लें, चाहे तो नरम कर लें। ये इसलिए मैंने ज़िक्र किया है कि ऐसा ना हो कि हम ऐसा फर्टिलाइज़र ऐसी स्प्रे करें जिससे इस पोजिशन में 55 दिन के बाद हमारा पौधा कच्चा होना शुरू हो जाए, वो वापस वेजिटेटिव ग्रोथ में चला जाएगा, जो उसने अपनी बढ़ोतरी रोक ली थी वो अब बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ज़्यादा स्किल अगर बढ़ोतरी पे लग जाएगी तो फिर फ्रूटिंग के लिए जो है ना स्किल्स कम पड़ जाती हैं, तो हमारी यील्ड का काफ़ी नुकसान होता है।
तो ये सारी बातें समझाने का मतलब ये है कि हमने आगे जितने स्प्रे करने हैं उनकी सिलेक्शन लेनी है, उसमें इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए। अब अगला स्टेप हम शुरू करते हैं कि मुमकिना बीमारियां कौन सी हैं 55 दिन से लेके कटाई तक के लिए। अच्छा देखें, इसमें बहुत सारे फंगल डिजीज हैं, बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज हैं। देखें, फंगल डिजीज में लीफ ब्लास्ट है, नोड ब्लास्ट है, निक ब्लास्ट है, शीथ ब्लाइट है, स्टेम ब्लाइट है, बीएलबी यानी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, बीपीबी यानी के बैक्टीरियल पैनिकल ब्लाइट है। इनके लिए जो जहरों की सिलेक्शन लेनी है, फिलहाल मैं आपके सामने एक चार्ट रख देता हूं जहरों का। फंगल डिजीजेस के लिए अजॉक्सिस्ट्रोबन, ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबन, डाइफिनोकोनाजोल, टीबोकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल, इनका शानदार एप्लीकेशन है, आप इन्हीं में से सिलेक्ट करेंगे। ये 55 दिन के बाद की जो है, अगर 55 दिन से पहले हो तो फिर और भी ऐड किए जा सकते हैं। हाँ, अलबत्ता जो बैक्टीरियल बीमारियां हैं उनके लिए सिन फैमिली का इंतखाब करें। सिन फैमिली के जितने एंटीबायोटिक हैं वो बड़े कमाल के हैं। इसमें कासोगामाइसिन है, वैलिडामाइसिन है, टेट्रामाइसिन, टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, गैगामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, बहुत सारी सिन हैं जो एंटीबायोटिक हैं और बैक्टीरियल पुश है। ठीक है, अब हमने जब सिलेक्शन करनी होती है, हमारी कोशिश होती है कि दोनों में से एक एक जहर का इंतखाब किया जाए और मिला के स्प्रे किया जाए। मार्केट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें ये दोनों ही आ रहे होते हैं। खास तौर पे पावर ग्रुप का एक प्रोडक्ट मेरी नज़र से गुजरा है, कचालू के नाम से। इसमें डाइफिनोकोनाजोल और वैलिडामाइसिन का कम्बिनेशन है और मेरे नज़दीक कमाल का प्रोडक्ट है। इसी तरह एक और प्रोडक्ट है जिसमें कापरोक्सीक्लोराइड और कासोगामाइसिन का कम्बिनेशन है। इसमें थोड़ी सी कमी है, वो ये है, अगर कापरोक्सीक्लोराइड की जगह में ये डाइफिनोकोनाजोल डाल देते या जोल फैमिली का कोई भी एक जहर डाल देते और कासोगामाइसिन को 2% से बढ़ा के कुछ ज्यादा कर देते तो इंतहाई कमाल का प्रोडक्ट बनता है। लेकिन चलें, अब ये मार्केट में है तो इसको इस्तेमाल के दो तरीके हैं। आप दो पैकेट फी एकड़ 250 ग्राम वाला इस्तेमाल करें, या आप एक पैकेट ये वाला कासोगामाइसिन और कापरोक्सीक्लोराइड कर लें और साथ में कोई एक फंजीसाइड अलहदा से शामिल करें, फिर इनको स्प्रे करवाएं तो इनके अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। अब इनकी तरतीब कैसे हमने करनी है कि ये कहां कहां पे स्प्रे होंगे। देखें, अगर हमारी फसल 60 दिन को क्रॉस कर रही है या राउंड अबाउट कुछ दिन ऊपर नीचे हैं तो यहाँ पे वैलिडामाइसिन और प्रोपिकोनाजोल या डाइफिनोकोनाजोल का कम्बिनेशन मिला के स्प्रे कर दें, इतना ही अच्छे रिजल्ट बनते हैं। मिसाल के तौर पे आप सजिंटा का टेलट ले लें या मिस्टर टॉप ले लें, इसके साथ में अवयाल ग्रुप ने टेट्रामाइसिन दिया है, किसी नाम से गूगल कर लीजिएगा आपको मिल जाएगा, वो साथ में मिला लें, या आप वैलिडामाइसिन भी अवयाल ग्रुप ने दिया है, आप गूगल करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा, आप वो भी मिला के स्प्रे कर सकते हैं। अगर ये ना मिले तो कासोगामाइसिन तो अवेलेबल है, वो कासोमिन के नाम से है और एंजो कंपनी ने भी किसी नाम से दिया है। ये 200 ml फी एकड़ के हिसाब से शामिल कर लें किसी भी फंजीसाइड के साथ, जिस तरह प्रोपिकोनाजोल है, डाइफिनोकोनाजोल है, तो इनके साथ मिला के इसको 60 दिन के राउंड अबाउट अगर आपकी फसल है तो एक स्प्रे लाजमी करवा दें। इसका दूसरा एप्लीकेशन आपने लेना है बूटिंग स्टेज पे, मुंजर निकलने से पहले कोशिश करें, और अगर कुछ परसेंट निसारा हो भी गया है तो फिर भी आप करवा दें, बेहतर है। यहां पे आपने सिर्फ ये देखना है कि अगर तो आपकी फसल पे किसी किस्म का कोई बैक्टीरियल प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप खाली फंजीसाइड स्प्रे भी कर दें। सबसे अहम स्प्रे फंजीसाइड आपका होना चाहिए मिल्किंग स्टेज पे, जब हार्ड डफ स्टेज चल रही हो, यानी कि दाना या मिल्क जो है वो सख्त हो रहा हो, उस टाइम पे एक स्प्रे लाजमी फंजीसाइड का आपने करवाना है। तो ये तीन स्प्रे अलग अलग टाइम में आपने लाजमी करवाने हैं। अब आते हैं कीड़े मकौड़ों की मैनेजमेंट पे। मतवक्या कीड़े कौन से हैं? मेरे ख्याल में तो चार हैं, एक पत्ता लपेट सुंडी है और एक तने की सुंडी है, दूसरे नंबर पे एक तो टोका है और दूसरा मोटका तेला है। अब मोटका तेला और टोका एक ही फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, इनकी मैनेजमेंट एक ही होगी। जो पत्ता लपेट सुंडी है और बोरर की सुंडी है, इनकी मैनेजमेंट भी एक ही होगी। आपने देखना है, अगर आपकी फसल 60 दिन को अभी अभी क्रॉस की है और पत्ता लपेट का प्रॉब्लम नजर आ रहा है तो फिल फॉर आप
छठे वाली एप्लीकेशन करें, आप कार्टेप डालें, मोनो डालें, आप फर्टेरा डालें, वेटाको डालें, जो भी आपको अवेलेबल होता है आप मकदार के मुताबिक वही इस्तेमाल करें, आपके लिए अच्छा ऑप्शन यही है। फर्स्ट कर लें, आपकी बूटिंग स्टेज को आ रही है और आपकी जो कार्टेप की एप्लीकेशन है उसे 20 दिन गुजर गए, तो अब उसका कोई असर नहीं होगा। अब यहाँ पे आप आर्जी तौर के लिए फॉलियर स्प्रे कर सकते हैं, वो ऑप्शन आपके पास बाकी होता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपने कोराजिन इस्तेमाल कर सकते हैं, एमामेक्टन इस्तेमाल कर सकते हैं, फिप्रोनिल इस्तेमाल कर सकते हैं, विटाको के साशे इस्तेमाल कर सकते हैं, बायर का बेल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, बायर का वाइगो इस्तेमाल कर सकते हैं, सजिंटा का वैलियम फ्लेक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडक्सा कार्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे स्प्रे हैं मार्केट में जो आप इनके लिए इस्तेमाल करेंगे, इससे आपका बोरर और पत्ता लपेट दोनों ही क्लियर होंगे। अब आते हैं टोके की तरफ और मुड़ के तेले की तरफ। देखें जो मुड़ के तेले को स्प्रे मारता है वही टोके को मारता है, जो टोके को मारता है मुड़ के तेले को मारता है, क्योंकि दोनों की फैमिली एक है। फर्क यह है कि मुड़ का जो हापर है उसको ब्राउन हापर कहते हैं, और जो ऊपर पत्तों को कुतरता है उसके दो नाम है, आप उसको ग्रास हापर कह लें, आप उसको ग्रीन हापर कह लें। ये अक्सर बाहर की साइडों पर ही होता है, अंदर उस वक्त जाता है जब इसका हमला शदीद हो जाता है। मुड़ के तेले के हवाले से एक बात और नोटिस में रख लें, ये इनके हेचरी उस टाइम होती है जब फसल के मुड्डों पे खनकी महसूस होने लग जाए, यानी कि ठंडक काफी एहसास होने लग जाए, तो ये मेरे ख्याल अक्टूबर के आखिर और नवंबर में जाके ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, तो उससे पहले ये नहीं होते हैं। हाँ अलबत्ता हमारा माइंड सेटअप इस तरीके से तैयार किया गया है कि कोई वार खाली ना जाए, स्प्रे फरोख्त होनी चाहिए, हालांकि इस टाइम पे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अलबत्ता अगर आप समझते हैं कि टोके का काफी खदशा है तो फिर टोके का पहला स्प्रे आपने करना है बूटिंग स्टेज पे, वहां पे आपने कोशिश करनी है खेत की बाउंड्रीज को क्लियर किया जाए, जहां तक शावर जा रहा है जाए, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। आपके टोके वगैरह बन्नों से ही उठते हैं, खालों से ही उठते हैं, और बाहर की जो बाउंड्रीज हैं उन्हीं पे ज्यादा लॉस करते हैं। अगर आपकी फसल लेट जा रही है, सुपर बासमती है, उसकी कटाई लेट होगी, तो फिर आप तेले के लिए स्प्रे करेंगे, लेकिन वो आपने मिल्किंग स्टेज पे जाके करना है, यहाँ पे नहीं करना, क्योंकि जब तेले का अटैक शुरू होता है तो उस टाइम का पीरियड में बड़ा फर्क आ जाता है, और ये दवाइयाँ 8 दिन से 10 दिन से ज्यादा काम नहीं करती हैं, फिर आपको दोबारा स्प्रे करना पड़ता है, तो इसलिए अभी ना करें। हाँ अलबत्ता बूटिंग स्टेज पे अगर आप देख रहे हैं तो फिर आप कर भी सकते हैं, लेकिन वहां पर भी एक स्प्रे करना पड़ता है। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे फल के स्प्रे के हवाले से। देखें फल के स्प्रे में बहुत सारी चीजें हैं। देखें फसल के नेचर के हवाले से मैंने आपको बात बताई थी, अगर तो आपकी फसल बिल्कुल हरी है, साइज अच्छा है, कोई किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम नजर नहीं आता, तो आप सिर्फ पोटाशियम टेट्राबोरेट का स्प्रे करें, पोटाश और बोरान की जरूरत होगी, इसके अलावा किसी किस्म का कोई स्प्रे नहीं करना चाहिए, आप पैसे भी जाया करते हैं और अपनी फसल को रिस्क पे भी लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाल ही में BLB का अटैक हुआ था और आपने ट्रीट किया वो रुक गया, या इस तरह की कोई और बीमारी जिसका अटैक हुआ था वो कम पड़ गया, मध्यम पड़ गया, अगर आप इजाबियन स्प्रे कर देते हैं, NPK 20:20 स्प्रे कर देते हैं, या आप नाइट्रोजन का कोई सोर्स इस्तेमाल कर देते हैं, आपकी रुकी हुई बीमारी फिर स्टार्ट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको फल के स्प्रे की जरूरत इसलिए नहीं होनी चाहिए कि आपने अब तक जो हजारों रुपए की खादें डाली हैं वो किस खाते में डालेंगे। अगर हजारों रुपए की खाद ने भी आपकी फ्रूट सेटिंग बेहतर नहीं की, तो फिर 2,500-3,000 रुपए का स्प्रे भी आपकी फ्रूटिंग को बेहतर नहीं कर सकता है, ये बात ज़हन में रखिएगा। हाँ कुछ पॉइंट हैं, जिस तरह के पोलिनेशन का मरहला है, फसल की रंगत के लिए, साइज के लिए, वजन के लिए, कुछ आर्जी तौर के लिए आप करना चाहते हैं, तो फिर दो ही एलिमेंट होते हैं, एक पोटाश होता है और एक बोरान होता है, तो दोनों का ही स्प्रे करवाएं। तो कोशिश करिएगा कि जो पोटाश या लिक्विड फॉर्म वाला इस्तेमाल ना करें, वो NPK बेस्ड ही करें जिसमें ज्यादा क्वांटिटी पोटाशियम की हो।
तो इसके साथ में अलहदा से आप बोरान मिला के कर सकते हैं। वगैरह अच्छा ऑप्शन है, आप पोटाशियम टेट्राबोरेट इस्तेमाल करें। यहाँ पे दो प्रोडक्ट के ऑप्शन मैं आपको दूंगा, आप मेरे अली एग्री ऑनलाइन स्टोर को विजिट कर सकते हैं, वहां पे 1-10-10-52 के नाम से प्रोडक्ट है। दूसरे नंबर पे आपको पोटाशियम टेट्राबोरेट का एक प्रोडक्ट मिल जाएगा और ये सस्ते प्रोडक्ट है, आप इनका इस्तेमाल करके अपना खर्च मैनेज कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। ये आपने कोशिश करनी है कि मुंजा डिलीवर होने से पहले पहले कर दिया जाए, उसके बाद इसके कोई ऑप्शन नहीं होता। हाँ, मिल्किंग स्टेज पे आप पोटाशियम टेट्राबोरेट, ये तकरीबन 650 का प्रोडक्ट है, आप इसे अकेला स्प्रे कर सकते हैं और किसी चीज को स्प्रे करने की जरूरत बाकी नहीं रहती है। अब ये तीन प्रॉब्लम है, एक तो डिजीज का प्रॉब्लम है, एक पेस्ट का प्रॉब्लम है, एक फ्रूट का प्रॉब्लम है। अब तीनों ही ऑप्शन में से हमने एक एक प्रोडक्ट की सिलेक्शन करनी है और एक प्लान तरतीब देना है। देखें, एक तो फ्रूटिंग के लिए आप पोटाशियम टेट्राबोरेट ले लें, अगर वो नहीं ले रहे हैं तो 10-10-52 के साथ टेस्ट मिक्स यानी कि मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट्स मिला लें, इसको आप एक साइड रख दें। पेस्ट की कैटेगरी में आप डायनोटेफ्योरान और पाइमेट्रोजीन ले लें, इसको भी आप एक साइड में रख लें। तीसरे ऑप्शन से आप अजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफिनोकोनाजोल उठा लें, उसको आप एक साइड कर लें। तीनों एग्जाम से हमने एक एक प्रोडक्ट ले लिए, ये हमारा पैकेज बन जाता है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं इसकी तरतीब के हवाले से कि इसको कहां कहां पे स्प्रे करना है। देखिए, मैंने पहले अर्ज किया है, अगर तो आपकी फसल अभी अभी 60 दिन को क्रॉस की है तो एक फंजीसाइड फिलफोर स्प्रे करवा दें, उसमें फंजीसाइड बैक्टेरियासाइड दोनों मिला के स्प्रे कर लें। दूसरे नंबर पे बूटिंग स्टेज पे आके हमने स्प्रे करना है, वहां पे हमने अजॉक्सिस्ट्रोबिन डाइफिनोकोनाजोल एक फंजीसाइड ले लिया, आपने डाइनोटेफ्यूरान पाइमेट्रोजीन का कॉम्बिनेशन टेस्ट वगैरह के लिए ले लिया, और तीसरे नंबर पे आपने पोटाशियम टेट्राबोरेट या 10-10-52 मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट्स ले लिया। ठीक है, इसको आप यहां पे स्प्रे करवा दें। तीसरा जो है वो मिल्किंग स्टेज पे हमने जाना है, वहां पे खाली एक स्प्रे हमने करना है प्रोपिकोनाजोल का, ये इंतहाई जरूरी है। अगर वहां पीछे हमने किसी किस्म का कोई स्प्रे नहीं किया फ्रूटिंग के लिए तो फिर यहां पे प्रोपिकोनाजोल के साथ पोटाशियम टेट्राबोरेट मिला के स्प्रे कर सकेंगे। तो ये तीन दफा आपने स्प्रे करने हैं, फंजीसाइड तीन दफा ही होंगे, फ्रूटिंग के लिए एक ही दफा होगा और पेस्ट के लिए दो दफा होंगे। पेस्ट अगर खास तौर पे तेला टोके से आप तंग हैं तो आपको बूटिंग स्टेज पे भी करना चाहिए, फिर आपको मिल्किंग स्टेज पे भी करना चाहिए, क्योंकि बूटिंग स्टेज से लेके कटाई तक का जो टाइम है वो 38 से 42 दिन होता है और इतना लॉन्ग ड्यूरेशन चलने वाला कोई प्रोडक्ट नहीं होता, कम से कम दो स्प्रे लाजमी बनते हैं यहाँ पे। यहाँ के बाद आम मसाइल की बात करते हैं। बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं जो कहते हैं जी कि हमारी जो फसल है वो निसारा कर गई, उसके बाद BLB का अटैक हुआ है। भाई आप बिल्कुल स्प्रे कर सकते हैं, आपने ऐसा करना है कि दोपहर 2 बजे के बाद स्प्रे करेंगे, प्रेशर वाली टंकी इस्तेमाल करवाएंगे ताकि ज्यादा चक्कर ना लगाने पड़े क्योंकि उसकी रेंज ज्यादा होती है। टंकी मैन को बोलेंगे कि आपने प्रेशर ऊपर की तरफ रखना है, डायरेक्ट आपने मुंजर को हिट नहीं करना, शावर ऊपर से नीचे की तरफ आना चाहिए तो ज्यादा मुनासिब होगा। बहुत सारे लोग ये एतराज भी करते हैं कि उसके बाद दाना काला पड़ जाता है अगर आप स्प्रे वगैरह करते हैं, तो भाई आप कॉपर बेस्ड स्प्रे ना करें, आप फंजीसाइड के साथ कासोगा माइसिन अलहदा से मिला के स्प्रे कर लें तो ये बेहतर रहेगा। और एट ए टाइम जब पोलिनेशन का टाइम चल रहा हो, आप खाली पानी भी स्प्रे करते हैं तो आपका दाना काला पड़ जाता है, आप वो टाइम स्किप कर लें, आप 2 बजे के बाद स्प्रे करवाएं। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम होता है कि मुंजर काले पड़ते हैं, दाने काले पड़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान ये कर लीजिएगा, अगर काले दानों के अंदर पोलिनेशन नहीं हो रहा, दाना नहीं पड़ रहा तो फिर ये बैक्टीरियल डिजीज है, अगर उसके अंदर दाना है लेकिन कमजोर है तो फिर ये फंगल डिजीज है। ठीक है, तो जो हमने एप्लीकेशन बताई है बूटिंग स्टेज पे ये उसी से कवर हो जाएगा, कुछ रह गया है तो फिर हमने जो एप्लीकेशन मिल्किंग स्टेज पे करनी है ये उससे कवर हो जाएगा। हाल बता, एक बात ध्यान में रख लें, 1-1.5-2% ये लाजमी काले पड़ते हैं दाने, ये आजकल क्लाइमेट चेंज के नतीजे में रूटीन मैटर है, आप कुछ भी स्प्रे कर लें आप 1-2% दाने काले होते ही हैं,
आप अपने माइंड को यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करें, आपके सारे मसले हल हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप दोस्तों के लिए फायदेमंद होगी। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।